हम ले लेते हैं अबव ओवर, बहुत बड़े अबव और ओवर के साथ ही सिखाया जाएगा बिलो और अंडर, ठीक है? अबव ओवर बिलो अंडर दोनों एक साथ चलेंगे, तो ध्यान से देखना। अबव को हिंदी में कहते हैं किसी से ऊपर, और ओवर को कहते हैं के ऊपर। इसी तरीके से बिलो होता है से नीचे, और ओवर होता है के नीचे। अब ध्यान मेरी तरफ रखना, ये जो से शब्द होता है ना, ये कंपैरिजन का फीलिंग देता है, तुलना का। यानी अबव या बिलो तब लगाते हैं जब किसी लिमिट से नीचे या लिमिट से ऊपर कहना हो। कोई लिमिट दी है, कोई बाउंड्री दी है, कोई लाइन खींच दी है, इससे ऊपर ऊपर वाले पास, इससे नीचे नीचे वाले फेल। तो अबव दिस लाइन विल बी कंसिडर्ड एज पास, बिलो दिस लाइन विल बी कंसिडर्ड एज फेल, ठीक है? इस तरीके से बाउंड्री लाइन जहां मेंशन हो, जहां में लिमिट मेंशन हो, जैसे इसमें होता है, अपने आपके एग्जाम्स में नहीं होता, गवर्नमेंट जॉब के आप एग्जाम्स देते हो तो क्या होता है भाई, 100 में से 150 नंबर आए तो पास। सीजीएल में अब की बार कट ऑफ 150 पे थी, तो 150 के ऊपर वाले पास, 150 के नीचे वाले फेल। तो अबाउ 150 पास, बिलो 150 फेल, ऐसे लिमिट होनी चाहिए, बाउंड्री लाइन इशारा ऑफ लिमिट होना चाहिए, तो ही अबाउ बिलो आता है। जबकि ओवर और अंडर में देखो, के नीचे के ऊपर, यानी एक सरफेस की बात हो रही है, सरफेस के नीचे बैठे हो तो होगा अंडर। अगर आपके ऊपर एक सरफेस है, यानी इसी, अगर इस चीज को ऐसे देखे तो अंडर, और इसी चीज को ऐसे देखे तो ओवर। कैसे मैम? दिस रूफ इज ओवर माय हेड, दिस रूफ इज ओवर माय हेड। अब इसी चीज को देखना, आई एम सिटिंग अंडर दिस रूफ, आई एम सिटिंग अंडर दिस रूफ। अभी क्या है, मेरे सर पे भी छत है। अब मैं बोलूं मेरे सर के ऊपर छत है, तो मैं कहूंगी दिस रूफ इज ओवर माय हेड। एक मैं बोलूं मैं छत के नीचे हूं, तो मैं कहूंगी आई एम अंडर द रूफ, आई वॉज वॉकिंग अंडर द स्काई, क्योंकि स्काई एक सरफेस है, उसके नीचे आप हो। या फिर यूं कह लो मेरे सर के ऊपर आसमान है, सो आई हैव स्काई ओवर माई हेड, आई हैव अ काइट ओवर माई हेड, एन एरोप्लेन वॉज पासिंग ओवर माई हेड। समझे? तो इस तरीके से हम ओवर को यूज करते हैं जब हमें नीचे से ऊपर देखना हो। ऊपर से नीचे सेम सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अंडर हो जाएगा। तो आप जिस भी कमरे में बैठे हो, यू आर अंडर द रूफ, बट द रूफ इज ओवर योर हेड। समझे?